हिमाचल पथ परिवहन निगम हमीरपुर विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों ने 31वां सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अभियान को लेकर कर्मचारियों ने हमीरपुर बस स्टैंड से आरटीओ कार्यालय तक रैली निकाली और सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा को लेकर नारे भी लगाए गए। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत एक सप्ताह तक लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हिमाचल पथ परिवहन निगम हमीरपुर विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों ने 31वां सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अभियान को लेकर कर्मचारियों ने अस्पताल चौक से आरटीओ कार्यालय तक रैली भी निकाली और सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा को लेकर नारे भी लगाए गए। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत एक सप्ताह तक लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अभियान के दौरान कर्मचारियों ने सड़क पर गाड़ी चलाते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए उसके बारे में लोगों को जानकारी दी और लोगों से आग्रह किया कि ज्यादा स्पीड और बिना लाइसेंस या कम आयु वर्ग के लोग गाड़ी न चलाएं। बता दें कि पिछले कई सालों के रिकॉर्ड में पाया गया है कि ज्यादातर दुर्घटनाएं शराब पीकर गाड़ी चलाना या स्पीड में गाड़ी चलाने से हुई हैं, जिससे लोग एक्सीडेंट का शिकार हुए हैं। निगम के कर्मचारियों ने मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील की है कि घर के छोटे बच्चों को गाड़ी चलाने को ना दें और ना ही बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने को कहें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। आरटीओ बीरेंद्र कुमार ने बताया कि हिमाचल पथ परिवहन निगम हमीरपुर विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों ने 31वां सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई। आरटीओ ने लोगों से अपील की है कि घर के छोटे बच्चों को गाड़ी चलाने की सलाह ना दें और ना ही बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाएं। उन्होंने कहा कि ज्यादातर दुर्घटनाएं शराब पीकर गाड़ी चलाने से होती हैं और इंसान ऐसी दुर्घटनाओं का शिकार हो जाता है जो कि फिर कोई काम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम की ओर से आगे भी ये कार्यक्रम ऐसे ही चलते रहेंगे, ताकि लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक किया जा सके। ये आज जो है हमारा 31वां सड़क सप्ताह मनाया जा रहा है, तो मंडे से लेके सैटरडे तक, लेकिन ये सिर्फ 7 दिन का ही कार्यक्रम ही है, वो तो एक ऑफिशियल है। अदरवाइज हम इसको लगातार जो है वो 1 साल मनाने जा रहे हैं, और इसमें हमारा पर्पस यही है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि जो हमारे जीवन की सुरक्षा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। गाड़ी जो है वो शराब पी के ना चलाएं। अंडर एज जो हैं वो लोग, उनको हम सबको हमारा मैसेज ये है कि घरों में भी ये कोशिश करें कि जो बच्चे छोटे हैं, जिनके लाइसेंस नहीं बने हुए हैं, जिनको गाड़ी नहीं चलानी आती है, उनको सड़क पे गाड़ी चलाने ना दें। क्योंकि जो एक्सीडेंट की दर देखी गई है उसमें ये पाया गया है कि जो 18 से लेके 35 साल के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं। तो उससे ये दो चीज़ें सामने आई हैं कि उनके पास या तो लाइसेंस नहीं होते हैं या गाड़ी को बड़ी स्पीड से चलाते हैं। तो ये हमारा जो पर्पज़ है वो ये है कि लोगों का कि जान माल का जो है रक्षा रहे, क्योंकि एक एस्टिमेट के मुताबिक जो है पिछले 10 सालों का अगर हम डाटा लें तो 1.5 करोड़ लोग जो हैं इस देश में ऐसे हैं जिन जो एक्सीडेंट का शिकार हुए, और वो लोग जीवित हैं पर वो अपने घरों में, और वो किसी भी काम के काबिल नहीं है। मतलब कि आज वो परिदृश्य से गायब हो गए हैं, अब वो दिखाई भी नहीं देते हैं लोग, वो घरों में हैं। तो ये बड़ा एक सड़क तेज़ गति से गाड़ी चलाने से जो दुर्घटनाएँ हो रही हैं उससे पूरे का पूरा परिवार जो है वो ख़राब होता है। कार्यक्रम में वक्त चला है, शोर से ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।